वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वी विल डिस्कस अबाउट दर्कशीट विच इज फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक चैप्टर थ्री नेशनलिज्म इन इंडिया नेशनलिज्म इज अ लॉन्ग प्रोसेस और नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार एज यू नो स्टूडेंट्स कि हम काफी सालों तक ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं उनके कॉलोनियल रहे हैं और हमारे जो लीडर्स थे हमारे जो पीपल थे उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइजिस किए जिसकी वजह से आज हमें फ्रीडम मिल पाई है जिस फ्रीडम को हम इंजॉय कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइज का रिजल्ट है एंड वन मोर थिंग जब भी हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं इंडिया की तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इमेज हमारे दिमाग में आती है वो है महात्मा गांधी की तो आज की इस वर्कशीट में हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट इट स्टूडेंट गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन नाइनटीन फिफ्टीन ही शोड ए न्यू वे ऑफ स्ट्रगल महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे वो बैरिस्टर की डिग्री कर रहे थे जिसे वकालत कहा जाता था वो वकील थे और अपनी प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पर ही उन्होंने अपना जो नॉन वायलेंस की जो थ्योरी थी वो सबसे पहले वहीं पर अप्लाई की थी और नाइनटीन में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे और उन्होंने जब देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं ब्रिटिशर्स उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयड कर रहे हैं तो उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और इसे एक न्यू डायरेक्शन दी फ्रॉम 1915 टू 1916 ही टूड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग ईयर्स ही बिगेन सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। फर्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया एक साल तक 1915 टू 1916। वो ऑल ओवर इंडिया गए बहुत सारे प्लेसेस पर गए जहाँ पर उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर कंडीशन है उसको ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद ही उन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू किया और काफ़ी लेटर ऑन काफ़ी सालों के बाद उन्होंने सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो बहुत सारे प्लेसेस पर चलाया था यहाँ पर गांधी जी का जो सत्याग्रह वह अहिंसा का विचार था उसे हम एक इंसिडेंट के जरिए समझते हैं गांधी जी से सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस The town of Malgudi was about to have the honor of receiving Mahatma Gandhi. jo Malgudi ka town tha use Gandhi ji ka welcome करने का एक uh, respected मौका मिला था, एक honor मिला था। A mighty cry rang out. वहाँ पर बहुत जोर से, mighty means बहुत ताकत के साथ रैंक आउट क्राई रैंक आउट यानी कि नारा चिल्लाया महात्मा गांधी की जय एट आउटेस्ट महात्मा गांधी एक्सप्लेन दैट ही हैड ही वुड स्पीक ओनली इन हिंदी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल और महात्मा गांधी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये अनाउंस कर दिया ये क्लियर कर दिया कि जहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात है सिद्धांतों की बात है वो केवल हिंदी में बात करेंगे आई विल नॉट एड्रेस यू इन इंग्लिश मैं आपको इंग्लिश में संबोधित नहीं करूँगा इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आर रूलर ये हमारे शासकों की भाषा है इट हैज़ us. और इन्होंने इस भाषा ने हमें ग़ुलाम बना दिया है I very much wish I could speak to you in your own sweet language, Tamil. मेरी इच्छा है कि काश मैं आपको अपनी मदर टंग जो स्वीट लैंग्वेज है मेरी बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज है तमिल उसमें बात कर पाता बट अल्लास पर अफसोस आई एम टू हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम टू मास्टर इट नाउ किंतु अभी मेरे पास इसमें मास्टरी यानी कि इसको सीखने का पर्याप्त समय नहीं है ये मालगुड़ी में एक स्पीच के दौरान महात्मा गांधी ये सब बातें कह रहे हैं आफ्टर दैट आई नोटिस टू मैम देयर टॉकिंग हमने नोटिस किया कि वहाँ पर दो आदमी जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं बूम्ड गांधी जी इज़ वॉइस तभी गांधी जी की आवाज़ गूंजती है इट इज नॉट गुड टू टाउ अभी यह बात करने का उचित समय नहीं है जब आपके पड़ोस में खड़ा हुआ व्यक्ति शायद मुझे सुनने के लिए बेचैन हो इफ़ यू डिस्टर्ब हिज हरिंग इट इज ए फॉर्म ऑफ हिमसा यदि तुम उसे मेरी आवाज़ सुनने में रुकावट पैदा करोगे तो ये एक प्रकार की हिंसा होगी एक प्रकार की लड़ाई होगी महात्मा गांधी स्पोक non नॉन वायलेंस एंड एक्सप्लेन हाउ इट be practiced इन डेली लाइफ महात्मा गांधी ने बताया कि नॉन वायलेंस क्या है अहिंसा क्या है और उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे फॉलो करना है it is a perfectly simple प्रोसेस provided you have faith in it यह एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है शर्त क्या है इसका इसके इसमें आपका विश्वास होना चाहिए आपको नॉन वायलेंस में फेथ होना चाहिए तभी यह बहुत इजी सी प्रक्रिया है इजी सा प्रोसेस है इफ़ यू वॉच योर सेल्फ यू विल अवॉइड ऑल एक्शंस अगर आप अपने आप पर ध्यान दें तो आप इन छोटे बड़े सभी कार्यों पर बिग और स्मॉल एंड ऑल थॉट्स थावर ऑब्सक्योर विच मे कोज पेन टू अनदर यदि आप अपने आप पर ध्यान दें तो आप इन छोटे बड़े सभी कार्यों सभी विचारों को से बच सकते हैं जिससे आप किसी दूसरे को दुख दे सकते हो ऐसी जो फीलिंग होती है कि आप किसी को दूसरे को दुख दें तो यदि आप धैर्य से इन सब विचारों पर बात करें चाहे छोटी हो या बड़ी तो आप उस स्थिति से बच सकते हैं यानी आप किसी दूसरे को दुख नहीं दे पाएंगे इफ यू वॉचफुल इट विल कम टू यू नेचुरली ही सैड उन्होंने कहा यदि आप सतर्क रहेंगे तो ये अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी वैन समवन हैज रोंगड यू Or has done something which appears to you to be evil just pray for the destruction of that evil यदि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या ऐसा कुछ किया है जो आपकी बुराई के रूप में प्रतीक होता है तो सिर्फ उस बुराई के अंत के लिए प्रार्थना करिए कल्टिवेट एन एक्स्ट्रा अफेक्शन फॉर द पर्सन दैट यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू ब्रिंग ए चेंज इन हैम उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है उसके प्रति अपने मन में प्यार लव स्नेह की भावना को विकसित करें और आप पाएंगे कि उस आपके इस व्यवहार की वजह से जो आपने स्नेहपूर्ण व्यवहार किया उसके गलत कार्य के प्रति भी आप सॉफ्ट रहें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति में चेंज आ रहा है उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह यदि आप इसको हिंदी में देखेंगे सत्य प्लस आग्रह यानी सत्य के लिए रिक्वेस्ट करना ट्रुथ सच्चाई एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज्ड दैट इफ द कोज इज़ ट्रू इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस दैन फिजिकल फोर्स विज नॉट नेसेसरी टू फाइट द अपोजेज ये जो सत्याग्रह का आइडिया था इस बात पर जोर देता है कि यदि आप सत्य हैं या आप सत्य के साथ है, आप हैं आप सच्चे हैं और यदि आपकी जो स्ट्रगल है आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है तो आपको अपनी शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है उससे लड़ने के लिए एंड वट इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस एक्शन बेस्ड ऑन द रिफ्यूजल टू डू हार्म यानी किसी को नुकसान पहुंचाने वाले काम को मना करना अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ लव डूंग गुड इवन टू द आल डूअर एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग एक ऐसी पॉजिटिव स्टेट जो प्यार से भरी है आप उसके प्रति भी प्यार दिखाएं जिसने आपके साथ बुरा किया है वन मस्ट डिस एसोसिएट विद द आर वेन इट इफ इट ऑफर्ड्स हिम और जो आ विल डूअर है यानी कि जिसने बुरा काम किया है उसका साथ नहीं देना है अहिंसा इज सुप्रीम ड्यूटी अहिंसा ही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है और ये जो हिंदू वर्चूज़ हैं उनके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट पावर हैं अहिंसा एक मीन्स एक साधन है और ट्रुथ जो है वो एंड है तो अहिंसा इज द स्टैंडर्ड ट्रुथ इज़ मैजर्ड अगेंस्ट अहिंसा मतलब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वायलेंस नहीं करना है नॉन वायलेंस और अहिंसा इज़ द सेम थिंग Now the time of question answers about this uh, worksheet. First is why do you think Mahatma Gandhi decided to speak in Hindi as a matter of principle? आप जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, सिद्धांतिक रूप से गांधी जी ने decide क्यों किया कि उन्हें हिंदी में ही बात करनी है? He talks of one form of himsa that is violence. What is it? वो एक हिंसा की एक फॉर्म की बात करते हैं तो वो क्या है हैव यू एवर फेस्ड इट क्या आपने उसको कभी फेस किया है इफ़ यू फेस इट देन गिव एग्जांपल्स कैन यू लुक फॉर सच अदर एक्ट्स ऑफ हिंसा व्हिच मे बी अनोइंग अटेम्प्टिंग इन एवरीडे लाइफ गिव एग्जांपल्स क्या आपने अपने आसपास जो डेली लाइफ है उसमें किसी जाने अनजाने में घटित कुछ ऐसी अन्य ऐसी घटनाओं की खोज कर सकते हैं जो एक प्रकार की हिंसा हो तो गिव एग्जाम्पल्स वट एडवाइस डि गांधी जी गिव टू टैकल एवल गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए हमें क्या सजेशंस दिए हैं क्या एडवाइस दी है? एंड डू यू थिंक इट इज़ ईजी टू फॉलो और क्या आपको लगता है कि इन सुझावों को फॉलो करना इन सजेशंस को फॉलो करना बहुत ईजी है एंड गिव रीजन्स आपको रीज़न के साथ अपनी बात को प्रूफ करना है सो दैट्स ओल फॉर आर टूडेज वर्कशीट स्टूडेंट्स आई होप मेरी ये वीडियोज़ आपको हेल्प कर रही होंगी अपनी स्टडीज़ के लिए क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना स्कूल विल नाट ओपन एंड फोर दैट आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव

प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको चैप्टर्स क्लियर किए हैं आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ इफ यू लाइक दैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग